हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस सॉल्व कीजिए। 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3, फाइंड इट्स वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो क्या बोल रहा है, हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को by putting value of x equals to 3 and then x equals to 1/2। तो हम x equals to 3 के लिए value put करके answer निकालेंगे इस expression के लिए, then हम value put निकालेंगे second expression के। तो देखिए पहले हम question लिख लेते हैं, क्या है हमारी expression, 3x bracket में 4x minus 5। तो 4 किसके लिए, x equals to 3। x equals to 3 means यहाँ क्या होता है कि जहां जहां हमारा सॉरी एक्सप्रेशन में प्लस 3 भी है, ओके? तो x equals to 3 means क्या होता है, जहां जहां हमारा x है वहां हमें 3 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? तो देखिए यहाँ 3x है तो लिख सकते हैं 3 x में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 की जगह क्या लिखना था हमें, x की जगह क्या लिखना था 3, ठीक है? देन ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं 4, यहाँ भी x है तो यहाँ भी लिख लेंगे x की जगह 3 माइनस 5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। अब हम सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 3 9, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब अंदर वाला सॉल्व करते हैं, पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 3 12, यह अगर 12 माइनस 5 प्लस 3। अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। सिंपल था, हमें बस x इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करनी है, देन हमें आंसर निकालना है, जो कि हम इजिली निकाल सकते हैं सिंपल था, ओके? देन इसे सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 5 मीन्स कितना, 7 प्लस 3। और ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट मीन्स हमें पता है मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 9 7 जा कितना, 9 7 जा 56 प्लस 3, ठीक है? अब हमने 56 प्लस 3 कर देंगे तो ऐड करके हमारा आ जाएगा 59। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर x इक्वल्स टू 3। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे x इक्वल्स टू 3 के लिए, बट हमें सेकेंड पार्ट भी करना था x इक्वल्स टू 1/2 पुट करके, ओके? तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू 1/2 के लिए। देखिए स्टूडेंट, फिर से एक बार दोबारा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3। तो 4 किसके लिए, 4 x इक्वल टू 1/2, यानी अब x जगह में हमें 1/2 पुट करना है, जहां हमारा x होगा। तो यहाँ देख लीजिए 3 के साथ क्या है x, तो यहाँ 3 1/2, देन इसके साथ है x, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5 देन प्लस 3, ठीक है? अगर ये इसके साथ कटता तो हम इसमें काट लेते, बट कट तो रहा है नहीं, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन करें। 3 1 3, तो यहाँ जगह 3/2। अब देखिए अंदर 2 एंड 4 के साथ क्या ये कट रहा है, इससे बिल्कुल कट रहा है, तो इसे काट लेते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 5 प्लस 3, ओके स्टूडेंट्स? सिंपली हमने क्या, यहाँ कट रहा था इसलिए काटे, जहां नहीं कटता वहां सिंपली। तो देखिए पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, होता है 3। और साइन देखिए, साइन कौन सा आएगा हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कौन सा आएगा हमारा, साइन हमारा आएगा बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन हमारा क्या है, माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस 3। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी अगर कट रही होती टर्म्स तो हम काट सकते थे, बट कट नहीं रही तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 9/2 प्लस 3, ओके स्टूडेंट? माइनस का 9/2 प्लस 3। अब हम इसे अलग से यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बचा हमारा, -9/2 प्लस 3 ये बचा। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, ओके? पूरा सॉल्व करना है, एलसीएम इक्वल्स टू 2, तो आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 जा 1 9 जा 9, यानी माइनस का 9 प्लस, यहाँ सिंपली 1 है, 1 के टेबल में 2 कब आ जाएगा, 2 जा 2 3 जा 6, ओके? देन -9 + 9 का जो प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या है हमारा, 3 अपॉन में 2, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का। तो इसका आंसर क्या हो गया, -3/2, दिस विल बी योर आंसर। सिंपली हमने पुट किया है x की वैल्यू 1/2, हमने एक बार पहले x की वैल्यू 3 पुट के आंसर निकाला था, फिर x की वैल्यू 1/2 करके आंसर निकाला। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, बी पार्ट भी सिंपली हमारा सेम ऐसा ही है, बट उसमें हमारे एक्सप्रेशन चेंज है, ठीक है? तो हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखिए स्टूडेंट हमारा बी पार्ट, इसमें भी हमें सिंपलीफाई करना है, पर हमारी जो ये एक्सप्रेशन थी वो हमारी चेंज हो गई है, और वैल्यूज किस किस के लिए निकालनी है हमें,
for x a equals to 0 and second one a equals to 1 and third one a equals to minus 1. इन तीनों के लिए हमें अलग अलग values निकालनी है for this expression. तो देखिए इसे करते हैं. पहले हम लिख लेते हैं expression क्या है हमारा a a square plus a plus 1. Okay, for a equals to 0. तो हमें जहां जहां a है वहां 0 put कर दें. ठीक है, तो यहां पहले 0 है, मतलब सॉरी a है, a की जगह हमने 0 put किया. यहां a square है यानी 0 का square, यहां a है यानी 0 plus 1. तो देखिए हमने सीखा था किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 0 के साथ करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, सिंपली 0 आता है. अगर आपको वैसे भी समझना है तो वैसे भी कर लेते हैं. देखो 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, यहां तो 0 ये प्लस 1. ठीक है, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 0 plus 1 will be equals to हमारा 0. ठीक है, सिंपली तो a equals to 0 के लिए तो हमने निकाल दिया. अब निकालते हैं a equals to 1 के लिए. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन a equals to 1 के लिए. ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं a a square plus a plus 1. तो जहां जहां हमारा a होगा वहां हमें 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा a की जगह 1, यहां 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, 1 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 2. दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 1 1 1 विल बी इक्वल्स टू 3 और 3 मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल्स टू 3. तो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, तो फॉर a इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आया 3. एंड द लास्ट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू a इक्वल्स टू माइनस 1. माइनस 1 के लिए निकालेंगे. देखिए तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या था, इसमें a will be equals to minus 1. तो 1 minus 1 के लिए निकालेंगे तो फिर से एक्सप्रेशन लिखते हैं a a square plus a plus 1. देखिए 0 और 1 के लिए हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, बट minus 1 के लिए हम ध्यान देंगे कैसे होगा. ठीक है, देखिए a की जगह हम लिखेंगे minus 1. ओके, देन द ब्रैकेट a square यानी minus 1 का स्क्वायर, a की जगह अगेन minus 1 plus 1. अब देखिए पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, मेन इसमें क्या है ब्रैकेट खोलना. ठीक है, तो ये माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर क्या देता है, वन वन जब वन होगा और माइनस माइनस प्लस होता है यानी आंसर भी हमारा प्लस में आएगा. तो ये भी हमारा स्क्वायर करके क्या आएगा, वन. अब देखिए इसे ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का वन, ये आ जाएगा हमारा प्लस का वन. ठीक है, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का एक माइनस से कट जाएगा. ठीक है, तो क्या बचा हमारा, माइनस वन बाहर और अंदर क्या बचा, वन. माइनस वन को जब हम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन जब वन होता है, सॉरी वन वन जब वन होता है और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का वन. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड. हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ये क्वेश्चन बहुत, ये जो क्वेश्चन किया हमने फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि ऐसी वैल्यूज निकालने में बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो आप ये एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस वैल्यूज पुट करनी होती है हमें और आंसर निकालना होता है. बट वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इजीली सॉल्व करना सीखना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर.